हेलो गाइस, मैं हूं अमित और ये है एप्पल का ईयरबड। दोस्तों, ये जो ईयरबड है, आपको पता है कि इतना ही होता है। कोई भी ईयरफोन जो हम अपने कान में लगाते हैं वो इतने ही साइज का होता है। लेकिन यार, मुझे नहीं पता किसका खुराफाती दिमाग काम किया और किसी ने बड़े साइज का ईयरबड शेप का ही स्पीकर बना दिया। तो वो है यहाँ पर आपके सामने, फोटो से आपको दिख ही रहा होगा। तो आज हम करने वाले इसी ब्लूटूथ स्पीकर की अनबॉक्सिंग। सबसे मजेदार है इसका डिजाइन, जिसको देखकर मैंने इसको मंगवाया है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो के लिए नीचे जो लाइक का बटन है वो जरूर से दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ऐसी ही और मजेदार अनबॉक्सिंग वीडियोस मिलती रहे रेगुलरली। यहां पर है हमारे जायंट हेडसेट स्पीकर का बॉक्स। अगर बॉक्स की बात करी जाए तो यहां पर लिखा है जायंट हेडसेट बॉक्स। अगर साइड की बात करें तो यहां पर भी जो इन लोगों ने लिखा हुआ है कि ये 5 वॉट का है, इसका मॉडल नंबर, वर्किंग डिस्टेंस 10 मीटर्स, यानी कि 10 मीटर तक ये काम करेगा, ब्लूटूथ होना चाहिए। हालांकि इसके बॉक्स पर कहीं भी नहीं लिखा कि ब्लूटूथ स्पीकर है। और यहाँ पर आप इसका डिज़ाइन देख सकते हैं, ऐसे देखने पर लगता है जो एप्पल का ब्लूटूथ वाला छोटा वाला ईयरफोन आता है ना, उसकी तरह लगता है। अगर इसके साइड की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है पावर ऑन ऑफ मोड, प्रीवियस सॉन्ग, सॉन्ग प्ले, ये इसके जो बटन्स हैं उनकी चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे काम करता है। ये जो है ब्लू कलर का है, यहाँ पर देखो ब्लू कलर का मार्क है। अभी तक मैंने इसको खोला तो है नहीं, तो देखेंगे। और यहाँ पर लिखा है कि ये FM रेडियो सपोर्ट करता है, चार्जिंग होती है, TF कार्ड यानी कि मेमोरी कार्ड भी लगता है, ऑक्स केबल से भी हम इसमें जो म्यूज़िक बजा सकते हैं। यहाँ पर इसमें HD माइक्रोफोन भी लिखा है और USB फ्लैश भी है। तो अब जो है फटाक से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। कोई टेपिंग वगैरह है नहीं, तो भाई साहब जो बॉक्स है वो यहाँ से खुल गया और यहाँ पर आपके सामने है। अबे क्या गिरा गाइस, ये तो है। अबे कितना बड़ा है ये, अबे इसका कुछ गिर गया यार नीचे, देना ज़रा यार। ये क्या हुआ यार, एकदम नया स्पीकर हमने डब्बे में से निकाला। मैं मानता हूँ मैंने उल्टा कर लिया, लेकिन ये जो है इसके नीचे का हिस्सा निकल गया। चलो कोई नहीं, फिट हो गया वापस से, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अब यार मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है इसको हाथ में पकड़ के। देखो ये कितना बड़ा है और सेम उसी शेप में। देखो ज़रा आप लोग देखो, ये इतू सा है और ये कितना बड़ा है। अबे यार यहाँ पर, और साइड से देखो, इसमें देखो ये छोटा सा कट है, यहाँ पर छोटा सा जो है एक वेंट है, और यहाँ पर इन्होंने वो वेंट भी देखो ये वाला बना रखा है। अबे यार क्या बात है, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी करने की कोशिश करिए। पीछे से भी आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर भी है, लेकिन इसके ऊपर हमको कुछ बटन्स और मिलते हैं। लेकिन गाइज अल्टीमेटली जो इसका डिज़ाइन है वो ही एक इसका जो है एक यूनिक सा फैक्टर है। और साथ में एक USB माइक्रो USB जो है केबल भी आई है, जो कि जिससे कि चार्ज होता होगा। तो फटाफट से अब इसको ऑन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको ऑन किया, यहाँ पर एक ब्लूटूथ डिवाइस इज रेडी टू पेयर और यहाँ पर एक ब्लू कलर की लाइट चल रही है। देखो तो अब मैं फटाक से इसको अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं ब्लूटूथ सर्च करता हूँ और इसको करते हैं पेयर फॉर द फर्स्ट टाइम और देखते हैं कि ये कैसा काम करता है। G2+ के नाम से आ रहा है फ़ोन में, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, ब्लूटूथ पेयरिंग, यस कनेक्ट हो चुका है, 80% बैटरी भी दिखा रहा है। तो भैया अब इसमें कुछ बजाते हैं और देखते हैं कि कितना तेज़ आवाज़ आती है। गाइज एकदम अलग लग रहा है। और पता है एक चीज़ हो रहा है इसमें, कि मैंने इसको हाथ में पकड़ रखा है ना, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल टू होल्ड है। देखो इसका जो शेप है वो जैसे बाइक का हैंडल होता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो उस टाइप से ही कुछ है और एकदम बढ़िया हाथ में ग्रिप में भी आ रहा है। तो इससे जो हम हाथ में पकड़ के गाने सुन सकते हैं। तो यहाँ पर कोई वीडियो चलाते हैं। तो भाई हमने जो है इस मिर्ची, मैं नहीं बोल रहा ये बोल रहा है, इस मिर्ची को चॉकलेट में मिक्स किया था, वो आवाज काफी अच्छी है मिर्ची का। इसके जो साउंड है वो मुझे काफी क्रिस्प लगी है। अब इसकी जो आवाज है उसको बढ़ाते हैं और कोई म्यूजिक इसमें बजाते हैं। वॉल्यूम फुल कर देता हूँ जरा। हाँ ठीक है, आवाज काफी तेज है। आप समझ सकते हो कि जो माइक है उसको मैं मुझसे और इससे बराबर दूरी पे रख रहा हूँ, नहीं इससे अब बराबर दूरी पे है। आप लोगों को सुन रहा होगा कि इससे तेज, मतलब मेरी से तेज इसकी आवाज़ है, और आवाज़ भी अच्छी है। म्यूजिक को थोड़ा आगे करते हैं यार, मस्त आवाज़ है भाई। अबे यार, तो भाई मैं अपना माइक वापस से लगा लेता हूँ
और यहां पर यार एक बात बताओ कि किसका खुराफाती दिमाग काम किया कि इस तरीके का स्पीकर बनाया जाए। यार भाई इसका जो डिजाइन है वो अपने आप में मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा कि मैंने इसको ऑर्डर कर दिया। तो यहाँ पर जो है दो तीन मोड्स भी दिए हुए हैं, इसको हम ऑक्स से बजा सकते हैं, यूएसबी से बजा सकते हैं, जैसे चाहे वैसे बजा सकते हैं। इसकी जो बैटरी है वो तो मुझे नहीं पता कितना देर चलती है, लेकिन फिर भी यार कुछ घंटे तो चलती ही होगी। तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि अब इसकी जो वॉल्यूम है उसको इससे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वॉल्यूम कम करता हूँ, यहाँ पर इस बटन को दबाता हूँ और इसी से हम जो इसकी वॉल्यूम है उसको कम कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम को बढ़ाऊं तो जो वॉल्यूम है वो फुल हो गई है अभी, और इसने बोल भी दिया कि वॉल्यूम फुल हो चुकी है। क्या हम इससे कॉल कर पाएंगे? एक काम करते हैं, कॉल करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें जो है आवाज़ आएगी। मैं फ़ोन लगाता हूँ अपने दोस्त को और यहाँ पर देखते हैं। देखो ब्लूटूथ कनेक्टेड है, बज रहा है। घंटी जा रही है, देखो रिंग जा रही है। तो गाइज आई होप कि हम जो है इस पे इसके थ्रू बात भी कर पाएंगे। हेलो हाँ हाँ, क्या कर रहा है भाई? अरे क्या कर रहा है? अरे हम भी क्या किस बात पे ऐसी आ रही है? फ्लाइट की बात कि क्या क्या देख रहा है? फ्लाइट की वेट कर रहा हूँ। कहाँ पे है फिलहाल? अबे कहाँ पर है हमको बता दे, वीडियो चल रही है, कहाँ पर है फिलहाल? हम है बोर्डिंग करा चुके हैं। अरे बोर्डिंग तो करा चुके हैं, कहाँ पर हो तुम, कौन से एयरपोर्ट पे हो? हम है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। हाँ ठीक है, समझाने के लिए धन्यवाद। हम स्पीकर चेक कर रहे थे। ठीक है, बाय बाय। हाँ हो गया, कर रहा है, काम कर रहा है। तो गाइज यहाँ पर कॉल हो गई, इसमें आवाज़ आई, सब कुछ आपके सामने हो चुका है। तो गाइज एक चीज़ और बची है, हाँ इसको यार कान में लगा के भी सुनना बनता है एक बार, है ना? तो मैं फटाक से जो है एक बार सॉन्ग बजाता हूँ और जो है इस वाले की तरह इसको लगाना चाहूँगा मैं अपने कान में। बहुत सही है, बस। भैया इससे ज़्यादा नहीं सुन सकता, बहुत तेज़ आवाज़ आती है क्योंकि ये कान में लगाने के लिए नहीं बना है। तो भाई अगर आपको मज़ा आया इस यूनिक से प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग में, अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस भी देखनी है तो इस वीडियो को तो लाइक कर देना अपने भाई के लिए ज़रूर से। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है ताकि आप हमारी कोई वीडियो मिस भी नहीं करोगे, हमको भी काफ़ी सारा सपोर्ट मिलेगा, हम भी आपके लिए ऐसे मज़ेदार चीज़ें लाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे, आपको मज़े दिलाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लो। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।